हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लाया हूं एक 1200 वॉट का बूस्टर। ये एक इंडियन बूस्टर है, इसमें चार हैंडल लगे हुए हैं, दो ऊपर दो सामने, क्योंकि इसका वेट है लगभग 29 kg। तो इसीलिए आप लोगों के सामने इसको मैं लाने वाला हूं। ये आपके डबल 15 इंच के दो टॉप बजाने के लिए सक्षम है। 400-400 वॉट के अगर आप लोग स्पीकर लगाते हैं अपने टॉप में और दो टॉप चलाना चाहते हैं तो इस एम्पलीफायर को आप लोग यूज़ कीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टूडियो प्लस ब्रांड की। स्टूडियो प्लस, जिनका 1987 से हम लोग एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, और आज इनका 1200 वॉट का बूस्टर जो कि इंडियन है वो मैं आप लोगों के सामने लाने वाला हूँ। इस बूस्टर को आज के वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, इसको टेस्ट करेंगे, इसको काफ़ी देर तक बजा रहे हैं हम लोग और इस पे NCS के गाने भी चलाएंगे जिससे कॉपीराइट में ना अटके हमारी वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। विकी वैन का ऑफिस नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 1200 वॉट के इस बूस्टर की कंपनी, जैसे मैं बता चुका हूँ, स्टूडियो प्लस है और इसका मार्केट प्राइस लगभग 20,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए अब फास्ट अनबॉक्सिंग के साथ स्टार्ट करते हैं स्टूडियो प्लस XB 1200 एम्पलीफायर यानी कि बूस्टर को ओपन करना। डबल बॉक्स पैकेजिंग और थर्माकोल से पैक होने के बाद एम्पलीफायर पॉलिथीन में कवर्ड होता है। एम्पलीफायर का वेट 29 kg बोला गया है विदाउट बॉक्स, इसीलिए ये थोड़ा हैवी होता है, बट ऑब्वियस है कि राउंड ट्रांसफार्मर और इतने सारे पार्ट्स के बाद इसका वजन इतना होगा ही। सामने के लुक में आप देख सकते हैं ग्रे कलर का इसका फिनिशिंग है दिया हुआ और टेस्टेड एम्पलीफायर का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। साइड में बड़े से हैंडल दे रखे हैं इसे उठाने के लिए और बैक साइड में फ्यूज, अर्थिंग, ओवरलोड के स्विचेस हैं। 6 एम्पियर का इसका ओवरलोड स्विच दिया गया है, फैन दिया गया है पीछे, सिग्नल इन और आउट का सॉकेट दिया गया है, ऊपर स्टूडियो प्लस का ब्रांडिंग और बारकोड दिया गया है ताकि ये ओरिजिनल आप समझ पाए। इसका एलंकी नट बोल्ट से ट्रांसफार्मर को ऊपर कसा गया है और पेंट फिनिश जो है काफी कमाल का दिया गया है। सामने आप बटन्स देख सकते हैं बास, ट्रबल, मिड के और मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल भी वहां पे है। साथ ही साथ आपको एक स्पीकर भी अनबॉक्स करके दिखा रहे हैं हम लोग। आज की वीडियो में स्टूडियो प्लस का हम लोग 400 वॉट का ये स्पीकर देखने वाले हैं जो कि इंस्पायर्ड मॉडल है। 3 इंच के वॉइस कॉइल में ये स्पीकर काफ़ी अच्छा दिखता है। बजने की बारी मैं आपको टेस्टिंग में दिखा दूंगा। आज के वीडियो में मेन फोकस हमारा एम्पलीफायर पे है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम लोग ये 4 स्पीकर का लोड आज के हमारे एम्पलीफायर पे लगाने वाले हैं। ये स्पीकर भी स्टूडियो प्लस ब्रांड का ही है। 3 इंच के वॉइस कॉइल में 400 वॉट स्पीकर ये। लीड वायर काफी अच्छा दिख रहा है, इसमें सॉकेट्स भी दिए हुए हैं। इसकी इनपुट सेंसिटिविटी दो टाइप में आती है, 200 mV और 1 वोल्ट में। 200 mV जो होता है वो आपका इक्वलाइजर इनपुट का होता है, मतलब बेस, ट्रबल, मिड आप लोग अगर इसके अंदर से निकालना चाहते हैं तो आप इसको 200 mV पे चलाएं या तो फिर 1 वोल्ट पे चलाएं ताकि आपको इसके अंदर का इक्वलाइजर ना मिले, आप बाहर से भी लगा सकते हैं। इसमें 100 वोल्ट का भी ऑप्शन दिया गया है ताकि आप लोग अपने मैचिंग वाले यूनिट्स या स्पीकर्स को इजीली बजा सकते हैं। हम लोग ये वाले पेयर को 2 ओम्स पे बजाने वाले हैं। 2 ओम्स पे बजाने का मतलब यह होता है कि चारों स्पीकर को पैरेलल कनेक्ट किया गया है और HF को नेटवर्क प्लेट लगाई गई है। आज हमने यही कंपनी के स्पीकर यूज किए हुए हैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये एम्पलीफायर का वेट 29 kg है। बेस, ट्रबल, मिड के ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और इसमें साथ ही साथ ओवरलोड और टेम्परेचर का भी लाइट दिया गया है, मतलब आपका एम्पलीफायर पे अगर आप इसकी क्षमता से ऊपर अगर लोड देते हैं तो ये आपको ओवरलोड का लाइट दिखा देगा। अगर आप लोग इसको ज्यादा हीट वाली कंडीशन में चला देते हैं
तो वैसे तो इसके अंदर फैन है, लेकिन अगर ये उसकी भी क्षमता से ऊपर हीट होता है तो ये टेम्परेचर भी आपको शो कर देगा। इसके बैक साइड में एक फ्यूज़ दिया हुआ है जो कि डीसी फ्यूज़ है। आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण ये उड़ सकता है या शॉर्ट सर्किट के कारण उड़ सकता है। आपका ओवरलोड स्विच अगर इसके लोड से ऊपर आप इस पे दे रहे हैं तो ये ओवरलोड हो सकता है। बाकी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्किट दिया गया है और इजीली रिपेयरेबल है, इसीलिए मैंने इसको इंडियन बूस्टर स्टार्टिंग में कहा हुआ है। चलिए आप लोग अब हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप लोग इसे मेरे साथ सुन सकें। हम लोग इसे टेस्ट करने वाले हैं, इस डुअल 15 को उस वाले एम्पलीफायर पे। बजाओ और जोर से। आखिरी जो लाइन ना उन दून रहा यार तुम्हें का है बे कहाँ बहुत था। तो आइए आप लोग अपने हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप लोग इसकी क्लियरिटी समझ सकें और इसे टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के दौरान हम लोग कुछ नॉन कॉपीराइट सॉन्ग्स बजाएंगे और कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स बजाएंगे, तो आशा करता हूँ छोटी मोटी क्लिप्स भी आप लोग समझ जाएंगे। बड़ी क्लिप्स बजाने से ये कॉपीराइट में अटक सकता है। तो चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं।
तो कैसी लगी आप लोगों को इसकी टेस्टिंग? देखिए, स्टूडियो प्लस में हम लोग काफ़ी टाइम से डील कर रहे हैं, लगभग मुझे एक साल भर हो चुका है, लेकिन प्रोडक्ट आपके सामने लाना, मतलब इसको थोड़ा सा टेस्टिंग और ट्रायल देना ज़रूरी होता है। अपना सेटिस्फेक्शन होने के बाद ही आप लोगों के सामने इसे लाना करेक्ट होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक के आप लोगों के सामने लाया था। और क्योंकि आप जानते हैं, पुराने लॉकडाउन से हमें उभरने के लिए और बाद में टेस्टिंग देने के लिए प्रोडक्ट को थोड़ा समय लगा था, इसीलिए मैं अभी से प्रोडक्ट रिव्यू अच्छे तरीके से लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। खैर, डुअल 15 इंच के लिए ये एम्पलीफायर सफिशिएंट है और इसके कई सारे फीचर्स में से मैं एक एक गिनाता जाता हूँ। जैसे कि बेस ट्रबल मिड इसमें दिया हुआ है, यानी इक्वलाइजर इसमें दिया हुआ है। वॉल्यूम कंट्रोल का बटन तो सभी एम्पलीफायर में होता है, इसमें भी है। इसमें हॉर्न और स्पीकर के सिलेक्शन का बटन है, मतलब आप लोग अगर यूनिट चलाना चाहते हैं तो हॉर्न पे सिलेक्ट कीजिए, अगर आप लोग स्पीकर चलाना चाहते हैं तो स्पीकर वाले सेक्शन पे सिलेक्ट कीजिए। इक्वलाइजर इनपुट या आउटपुट वो आपकी मर्जी पे है, यानी 200 MV इनपुट करने पे, सेंसिटिविटी 200 MV पे रखने पे आप मात्र मोबाइल केबल पे भी इसे फुल पावर में बजा सकते हैं। यानी आप अगर एक टेंट हाउस हायरर हैं और रेंट पे मटेरियल देते हैं चलाने के लिए, तो आप इस एम्पलीफायर को दीजिए, एक मोबाइल फ़ोन का केबल और एक माइक्रोफोन दे दीजिए, आपका काम ख़त्म, आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं, लोग अपने आप चला लेंगे इसे। दूसरी बात कि अगर आप इसे 1 वोल्ट सेटिंग पे रखते हैं तो आपको मिक्सर इस पे लगा के चलाना पड़ता है, क्योंकि इसकी आउटपुट वोल्टेज थोड़ी सी आपको कम मिलती है, इसकी गेन थोड़ी सी कम मिलती है अगर आप बिना मिक्सर इसे बजाते हैं, तो मिक्सर लगा के आप इसकी गेन बढ़ा सकते हैं। इसके बाद जैसे आप अगर इस पे स्पीकर चला रहे हैं, नॉर्मल स्पीकर जो हमारे 15 इंच 12 इंच होते हैं, तो मोस्टली हम लोग इसे 4 ओम्स या 2 ओम्स पे कनेक्ट करेंगे। ये एम्पलीफायर 4 ओम्स और 2 ओम्स दोनों पे रिकमेंडेड है। फैन के कारण ये ठंडा भी जल्दी हो जाता है, और इसके अलावा अगर आप मैचिंग यूनिट या मैचिंग वाले स्पीकर, यानी लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर वाले यूनिट्स चलाते हैं, तो इसमें आपको 70 वोल्ट और 100 वोल्ट की सुविधा मिल जाती है, जो कि पीछे की साइड में रेड कलर की पट्टी में लगी हुई है, जहाँ पे 3 स्क्रूज है, उसके थ्रू आप ये यूनिट्स चला सकते हैं। यूनिट्स की क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से अंदाजन आप 16 से 20 यूनिट इस पे चला सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप स्पीकर लगा रहे हैं तो डबल 15 इंच के स्पीकर इस पे चला सकते हैं, मतलब 400-400 वॉट वाले स्पीकर इस पे 3 इंच वॉइस कॉइल वाले आप चला सकते हैं। इसके लिए ये मोस्टली रिकमेंडेड है, क्योंकि ये 2 ओम्स पे बहुत अच्छे से काम करता है। इसमें पीछे की साइड में एक डीसी फ्यूज़ है, जो कि वोल्टेज प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करेगा। ओवरलोड का बटन, जो कि आपके लोड ज़्यादा होने पे भी बाहर आ जाएगा, ताकि आपका एम्पलीफायर सेफ रहे। डिज़ाइनर और लुक्स में ये ठीक ठाक है। लाइटिंग इसमें इंडिकेटर दिए हुए हैं, जहाँ पे आपको रेड लाइट जो है मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा आवाज़ को इंडिकेट करता है, तो आपको उसके नीचे ही आउटपुट लेवल रखना है। कभी कभार लग जाता है तो बात और है, हमेशा ना लगे। 20,000 के अंदर अंदर एम्पलीफायर आपको लोकल मार्केट से मिल सकता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि हम लोग सारे एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और आशा करता हूँ कि आज भी मैंने वैसा ही किया हो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलने वाला हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। Thank you guys. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे बने रहिए।